यूपी के हापुड़ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक महिला के ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में रुमाल छोड़ दिया गया। मीना नाम की महिला पिछले 4 साल से पेट दर्द की शिकायत से परेशान थी। मीना ने अस्पताल पहुंचकर जांच कराई तो सब हैरान रह गए। उसके पेट में एक रुमाल जैसा कपड़ा था। ऑपरेशन के बाद कपड़े को बाहर निकाल लिया गया। ऐसा हुआ, हमारे यहाँ कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था पेट में दर्द की शिकायत लेकर, तो हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया और हमें लगा कि उसके पेट में कुछ फॉरेन बॉडी है। हमने ऑपरेशन करके वो निकाल लिया और अब मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और अब उसको कोई दिक्कत नहीं। मीना की 26 फरवरी 2014 को रामा मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी हुई थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने लापरवाही की और पेट में ही रुमाल जैसा कपड़ा छोड़ दिया। पीड़ित महिला रामा मेडिकल कॉलेज के खिलाफ शिकायत की बात कह रही है। मैंने यहाँ सरस्वती में अल्ट्रासाउंड कराया उसका, कहने लगे बेटा खून की गांठ है, तुम टेंशन मत लेना, निकल जाएगी दवाई खाओगे तो। फिर मैं घर पर चली गई, घर पर जाकर मेरी वो गांठ मोटी होती रही। फिर मैं यहाँ आया अल्ट्रासाउंड कराना, फिर कहने लगे बेटा बड़ी गांठ होगी, तुम्हारा ऑपरेशन होगा। फिर मैं तो एक दो साल बाद आई, 4 साल हो गए 26 फरवरी को। बिहार के गया में शादी में खाना खाने के बाद करीब 70 लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सब का इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मरीजों में करीब 30 बच्चे हैं। एक बच्चे की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल ये सभी गया के वजीरगंज इलाके में एक शादी में गए थे। सभी ने शादी में खाना खाया, जिसके बाद इन सब की तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने के बाद एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि खाने में कोई जहरीली चीज गिर गई थी या फिर खाना खराब हो गया था। मुझे बताया गया है बारात काफी लेट आई थी, खाना काफी लेट हुआ, तो हो सकता है शायद खाना खराब हो गया होगा। सिविल सर्जन ने उसका सैंपल भी लिया है वहां जाकर और उसको हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। दिल्ली एम्स ने अब टेलीफोन पर ही इलाज और परामर्श सुविधा शुरू कर दी है। एम्स ने सुविधा फिलहाल बच्चों के विभाग में ही शुरू की है। चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आप टोल फ्री नंबर 1800 11 7776 पर कॉल कर अपने बच्चे के इलाज से जुड़ी जरूरी बातों पर सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर आपको इलाज और परामर्श देंगे और अगर जरूरी होगा तभी बच्चे को अस्पताल लाने के लिए कहेंगे। यानी अब आपको घंटों तक लंबी लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मान लो आप कहेंगे आप दिखाओ कि अभी क्या उसकी सिचुएशन है, बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है, उसको चला के उसका वीडियो दिखाओ, या अगर कोई बीच में दौरा पड़ा है तो दौरा का वीडियो ले लिया, तो उससे वो अब देख के आप एडवाइस कर सकते हो कि हाँ इसलिए ठीक है, कुछ नहीं करना है,